प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ने अब नई तकनीकी और आधुनिकीकरण का दामन थाम लिया है। एक समय में आम लोगों का भरोसा खो चुकी आयुर्वेदिक चिकित्सा अब वर्तमान समय के हिसाब से लोगों को इलाज मुहैया करवा रही है और एलोपैथिक इलाज को पूरी टक्कर दे रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण डिजिटल माध्यम से नाड़ी यानी कि नब्ज देखकर कई बीमारियों की पहचान करना है। इस काम को मशीन के द्वारा किया जाता है जिसे नाड़ी तरंगिणी के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज का युग जो हमारा विज्ञान का युग है, अगर आपने देखा होगा, जब भी किसी डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और ये कहता है कि सर मुझे ये तकलीफ है, तो डॉक्टर बोलते हैं ये दवाई खाओ और आप जो है ठीक हो जाओगे, तो पेशेंट मानता नहीं है। पेशेंट कहता है कि मेरी जाँच करा लो। ये कॉमन लोगों का जो है टेंडेंसी है कि मेरी जांच करा लो, मेरा अल्ट्रासाउंड, मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना, कहीं मुझे कोई बड़ा रोग तो नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा है कि आप सामान्य रूप से क्या कि नाड़ी दे करके हम रोगी का इलाज कर देते थे, लेकिन डिजिटल नाड़ी परीक्षण से हम उसको ये बता सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से आपके शरीर में वात पित्त कफ की किस स्टेज में है। मान लीजिए किसी को पित्त बढ़ा हुआ है तो उसको भविष्य में पित्त की बीमारियाँ होंगी, शरीर में कफ बढ़ा हुआ तो भविष्य में कफ की बीमारियाँ होंगी, और वात बढ़ा हुआ होगा तो भविष्य में वात की बीमारियाँ होंगी। तो उस व्यक्ति को उन चीज़ों से कंट्रोल, उन चीज़ों से थोड़ा सा उसकी दूरी बनानी होगी। अब कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ये कहता है तो लोग उसकी उस बात को उतना महत्व नहीं देते, लेकिन अगर हम नाड़ी परीक्षण द्वारा डिजिटल वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध कर पाएँ कि आप जब हम रिपोर्ट देते हैं पेशेंट को और उसको बताते हैं कि आपके शरीर में इतना, आपकी प्रकृति जो है पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है या वात प्रधान है, तो आपको उन चीज़ों से बचाव करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उसको साइंस ऑफ बैलेंस कहा जाता है कि आयुर्वेद में अगर वात पित्त कफ दोष हमारे शरीर में बैलेंस है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जहाँ इम्बैलेंस होता है तो वहाँ शरीर में उस दोष संबंधी बीमारी होती है। आज के समय में आपने देखा होगा कि हम जो है सरसों के तेल का यूज़ नहीं करते, हम रिफाइंड तेल का यूज़ करते हैं, जबकि सरसों का तेल सबसे अधिक बात शामक आयुर्वेद में बोला गया। हम घी का यूज़ नहीं करते, गाय का घी सबसे बढ़िया पित्त शामक होता है। हम शहद या गुड़ का यूज़ कम करते हैं। आज की पीढ़ी आपने देखा होगा उसको शहद खिलाओगे तो थूक देगा, लेकिन उसको एक आइसक्रीम दोगे तो पूरी जो है पूरी ब्रिक ही गटक लेगा। तो हमने लोगों बच्चों को इस तरह से ट्रेंड कर दिया कि आज की जो पीढ़ी है उसको ये बताना ज़रूरी है कि आपके शरीर में वात पित्त कफ अगर बैलेंस नहीं रहेंगे तो आपको जो शरीर जो है कभी भी निरोग नहीं रहेगा। तो डिजिटल नाड़ी के माध्यम से हम पेशेंट को उसको प्रूफ दे पाते हैं, वैज्ञानिक प्रूफ दे पाते हैं, और विज्ञान का साथ मिलने से आयुर्वेद और स्ट्रॉन्ग होगा, लोगों का भरोसा इस चीज़ पे बढ़ेगा कि वाकई देखिए जो इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कि मेरे शरीर में वात बढ़ा हुआ, पित्त बढ़ा हुआ, कफ बढ़ा हुआ, यही चीज़ अगर डॉक्टर बोलता है तो वो उतनी प्रभावशाली लोगों को नहीं लगती है, लेकिन जब वो वैज्ञानिक रूप से उसको रिपोर्ट मिलती है तो वो उस पर भरोसा बढ़ता है और उस चीज़ को फॉलो करता है और फिर स्वास्थ्य उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। लोकल एजेंट के लिए चमोली से सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।